खुदावन के पाकलामे से हम निकालेंगे दूसरा सलातीन, उसका चार बाब 8 से लेके 20 आयत तक, और उसके बाद 32 आयत से 37 आयत तक। दूसरा सलातीन चार बाब 8 से लेके 20 आयत और फिर 32 से 37 आयत तक, पेज नंबर 363 पर। खुदावन के पाकलाम में यूँ लिखा है, और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीशा शुनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुज़रता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादिम जयाजी से कहा कि इस शोनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तो उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की, तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए। तब जयाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बुढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाज़ा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरे गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्दे खुदा अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और जब वो लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादिम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुँचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, उसके बाद मर गया। आयत नंबर 32 से पढ़ेंगे। जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके खुदा से दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पसर गया और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। तब उसने जयाजी को बुलाकर कहा, उस शोनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और ज़मीन पर सरनगूं हो गई, फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब की ज़िंदगी के लिए बायस बरकत हो। तब बच्चे ने आंखें खोल दी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, जिसने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम दूर नज़दीक से खुदा के घर में जमा हुए। और वो बहन भाई जो आज पहली बार हमारी इबादत में आए हैं, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। और उन बहन भाइयों के लिए जो ग्रुप की सस्टेनेबिलिटी के लिए, बशारत की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं
और अपने पैसे से खुदा की खिदमत करते हैं। मैं उनके लिए दुआ करता हूं खुदा उनके इस जहां में 100 गुना और आइंदा जहां में अबदी ज़िंदगी अता फरमाए। हम अपनी कमेटी के लिए, क्वायर के बच्चों के लिए, सजिंदों के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि क्वायर के बग़ैर, प्रस्तश के बग़ैर हमारी इबादत अधूरी है। आपने देखा कि प्रस्तश के वसीला से खुदावन ने किस तरह से हमें छुआ और हमें बरकत दी है। और आज का जो हमारा मजमून है, बाइबल का खुदा मोजात का खुदा है। क्या मैंने कहा? बाइबल का खुदा मोजात का खुदा है। किसी को याद है कि पिछले फ्राइडे मैंने क्या मैसेज दिया था? हाँ, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूँ, तो कुछ लोगों को याद था। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बरकत वो लोग पाते हैं जो बरकत पाना चाहते हैं, और मैं खुदा का खादम होते हुए आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज शाम जो बरकत पाने के लिए आए हैं, जो रोज़ा रखकर या आंसुओं के साथ दुआ करके इस इबादत में आए हैं, और जो आज शाम मौजा चाहते हैं, उनको मौजा मिलेगा। वो बहन भाई जो बड़े दुख में या बड़ी अजियत में या बीमारी की हालत में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरा ईमान है कि आज शाम खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में काम करेगा। आपकी बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपका मसला चाहे कैसा भी क्यों ना हो, खुदावंद खुदा आज शाम अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर हमारे दरमियान उतरा हुआ है और एक एक को आज शफा देना चाहता है। आइए मैं अपने सरों को चुकाएं और दुआ करें। आए खुदावंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरा गहरा मसा पूरी इबादत में छा जाए। आए खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि पहली सीट से लेके आखिरी सीट तक और बाहर तक जितने मेरी आवाज को सुनते हैं, आए खुदावंद जो सीडी के वसीला से तेरे कलाम को सुनेंगे या वेबसाइट के जरिए तेरे कलाम को सुनेंगे, आए रूहे पाक मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरा कलाम उन्हें कसरत के साथ अपने कब्जे में ले ले, और आए खुदावंद तेरा पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बश करता हुआ नजर आए, एक एक जिंदगी को छू ले, एक एक जिंदगी को अपने कब्जे में कर ले, और तेरे पाक रूह का गहरा मसा लमा बलमा आए खुदावंद खुदा तेरी कलाम की कुदरत के वसीला से एक एक को छुए और मोजात हो, कलाम के दरमियान ही मोजात हो, इसलिए कि खुदावंद तू मोजात का खुदा है। हालेलुया, प्रेज जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले। ये सब कुछ हम तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। पिछली दफा हमने दूसरा सलातीन 4:1-7 तक कलाम को सीखा था बेवा औरत के बारे में, और आज हम उससे आगे कलाम को सीखेंगे। वहां भी एक खतून का जिक्र है और यहां भी एक खतून का जिक्र है, लेकिन यहां नाम नहीं बताया गया। जो कुछ हम जानते हैं, जो कलाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि शोनीम की रहने वाली एक औरत। तो चंद सवाल हैं जो मैं आज शाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शोनीम, शोनीम की रहने वाली खातून और उसकी दावत, नंबर वन। और दूसरा सवाल ये है, लिशा की गुफ्तगू और उसकी शुक्रगुजारी, नंबर तीन। शोनीम औरत और उसका मियां, यानी उनकी अज़दवाजी जिंदगी, तीसरा सवाल। और नंबर 4,
लीशा बच्चे को जिंदा करता है। तो क्या आप सब कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? और हम कलाम को इस तरह से सुने जैसे आदमी जो है किसी ऐसी खुशखबरी को सुनने के लिए तैयार होता है जिसके वसीला से उसकी जिंदगी के अंदर एक नई खुशी की लहर दौड़ उठे। तो आज का जो मजमून है वो क्या है? बाइबल का खुदा मोजाद का खुदा है, बाइबल का खुदा मोजे करता है, बाइबल का खुदा फोकल फितरत काम करता है। अगर आप फालिज के मरीज हैं, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, आपके गले में तकलीफ है, आपको हेपेटाइटिस बी और सी है, या गायनी प्रॉब्लम है, या औलाद नहीं होती, या और कोई मसला है, बैक एक है, नेक एक है, हेड एक है, कैंसर है, आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि बाइबल का खुदा मोजाद का खुदा है। डू यू बिलीव दैट? आप सब होशियार हैं? बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। शोनीम जो है ये वो कस्बा था जो सामरिया और कर्मल की शाहरा पर वाकया था, और खुदा का खादम एलीशा नबी अक्सर यहाँ से उसका गुजर हुआ करता था। बड़ी मशहूर शाहरा थी, और जब वहाँ से वो गुजरा, और ये खुदा का खादम जो है ये मोबाइल मुबशर है, यानी इसकी कोई अपनी कलीसिया नहीं है, किसी एक जगह पर बैठता नहीं है, ये चलता रहता है। कर्मल में इसका जो नबियों का मदरसा था वहाँ पर उनको तालीम देता था, उसके बाद जो है पैदल जाना और लोगों तक पहुँचना और खुदा का कलाम सुनाना। और हो सकता है कि ये खातून जिसके बारे में लिखा है कि शोनीम की एक औरत, इस औरत के बारे में जो कलाम हमें बताता है कि ये औरत दौलतमंद है, ये औरत जहीन है, ये औरत अक्लमंद है, और ये औरत खुदा से डरती है, ये औरत खुदा से प्यार करने वाली है, ये इस औरत की आंखें अकाबी आंखें हैं, ये महसूस कर सकती है कि कौन खुदा का खादम है और कौन खुदा का खादम नहीं है। ऐसी आंखें होनी चाहिए जिससे मुझे और आपको पता चल जाए कि ये खादम जो है कैरिज्मेटिक खादम है, ये खादम रूल कुदस से भरे हुए हैं, ये खादम इन खादमों के वसीला से खुदा कलाम करता है और कुदरत के साथ मोजात अजीब काम और जहूर में आते हैं। हाँ, ये खादम ये बपतिस्मा पढ़ने वाले हैं, ये खादम निकाह पढ़ने वाले हैं, ये खादम जो है जनाजे पढ़ने वाले हैं, ये आंखें खुदा चाहते हैं और आप खुदा हमें ऐसी पहचानने वाली आंखें में ता करे कि हम महसूस कर सके खादमों के अंदर एक नंबर खादम कौन से हैं और दो नंबर खादम कौन से हैं। जैसे ही इसने लीशा को देखा, उसके पहले मोजाद को वो जानती थी जब वो एलिया के साथ हुआ करता था, और उसने जैसे ही उसको देखा तो लिखा है 20वीं और उसके जो 8वीं और 9वीं आयत में, 8वीं आयत में दूसरा सलातीन 4:8 आयत, उसने मर्द खुदा को लीशा को क्या किया? मजबूर किया। उसने उसे मजबूर किया। क्यों मजबूर किया? कि वो उसके घर में आए और उसको खाने पर उसने क्या किया? मजबूर किया कि तू मेरे घर में आ और मैं हमारे खानदान के साथ जो है तू खाना खा। उसने मजबूर किया उसे। क्यों? उसने विजुलाइज किया, उसने देखा कि खुदा का कलाम इसके मुंह में है।
जैसे ये नबी मेरे घर में आएगा, इसके पांव का तलवा मेरे घर में टिकेगा, तो मेरे घर का भांजपन क्या होगा? जाता रहेगा, मेरी परेशानियां, मेरी बीमारियां, दुख रोग जाता रहेगा, मेरे घराने के अंदर एक नई रूह आएगी, नई खुशखबरी आएगी, और भांजपन जाता रहेगा, और वीराना जाता रहेगा, और जो है सरसब्ज वीराना जो है सरसब्ज और शादाबी में बदल जाएगा, और दुख जो है खुशी में बदल जाएगा, बीमारी सेहत में बदल जाएगी, और हर किस्म के वसीला से इस खादम के जैसे ये घर में आएगा तो मेरे घर के हालात बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम डरते हैं खादमों को बुलाने से कि एक वक्त का शायद खाना खिलाना पड़े। हम मीटिंग नहीं बुलाते रखना चाहते, हम घबराते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत ना आए। हम काफ़ी अपना अपना का गुजारा कर लेते, अब इस काबिल हैं, हम टालते रहते हैं, इसलिए कि हमारी रूहानी आंखें नहीं हैं। खुदावंद खुदा ये चाहता, उसने मजबूर किया, और लिखा है आठवीं आयत का दूसरा हिस्सा कि फिर तो ऐसा हुआ कि लीशा जब भी शोनीम को जाता था उसी घर में जाता था खाना खाने के लिए। वाह, लीशा को कुछ हुआ और उसने अपने मियाँ से कहा कि मुझे मालूम होता है कि ये मुकद्दस आदमी है, ये सेन पर्सन, और खुदा का कलाम इसके मुंह में है, क्यों ना हम, इतना बड़ा खुदा ने हमें घर दिया है, इस घर के ऊपर इसकी दीवार के ऊपर एक हम कोठरी बना दें, और जब भी मर्दे खुदा आए तो ये हमारे ही घर में रहे। वो बरकत पाना जानती है कि कैसे बरकत मिलती है। बरकत ऐसे नहीं मिलती, बरकत करने पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसने कुछ किया, क्या किया भाई उसने? उसने उसको घर बुलाया, दावत की उसकी, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, और उसके बाद एक बड़ा खर्चे के लिए दरवाज़ा उसने खोल दिया, और वहाँ पर उसके लिए एक कोठरी बनाई, एक घर बनाया, एक कमरा बनाया, और कमरा ही नहीं बनाया बल्कि उसको डेकोरेट किया कि जब खुदा का खादम आए, एक पलंग लगाया, ये सारी बातें जो हैं, बिस्तर सजाया उसके लिए, और लाइट और ये शमादान, मेज़, कुर्सी और चौकी, और ये सारी चीज़ें हमें कलाम में मिलती हैं कि उसने ये सब कुछ किया। अगरचे मालूम नहीं होता, ना उसने ज़िक्र किया है, ना उसने इजहार किया है कि मुझे औलाद चाहिए, लेकिन जब दोबारा खुदा का खादम वहाँ पर आया, ये तो पहला हिस्सा जो मैंने बताया शोनीम और शनीमी औरत के हवाले से जो बात मैं कह रहा था, अब जो है दूसरा हिस्सा उसकी बलाहट, उसके दावत के बाद हम ये देखते हैं कि जब खुदावंद का बंदा वहाँ पर गया और उसने भी देखा कि वाकया ही ये खुदा की खादमा है और खिदमत करने वाली है और खुदा से मोहब्बत करती है, खुदा से प्यार करती है, तो मुझे इस घर से आस पड़ोस के घरों में जाना आसान है, मैं दूसरे घरों में जाके बेहतर तरीके से खिदमत कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और उस औरत ने अपने घर को जो चर्च बना दिया है जी। हम तो साल में एक इबादत कराने से डरते हैं, साल में एक इबादत करानी होती है तो हमें पसूड़ियाँ पड़ी होती हैं, परेशानी होती है कि घर वाले बच्चे ये वो, हम परेशान होते हैं। उसने अपना घर जो है खुदा की खिदमत के लिए खोल दिया, 24 घंटे खिदमत जारी है, सारी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने घर हैं जितने हम बैठे हुए, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, कितने घर हैं जिनका घर चर्च बना हुआ है, कितने घर हैं जहां पर खुदा के खादम आके टिकते हैं।
कितने खादम हैं और कितने घर हैं जिनके बस जो एवेंजेलिज्म का काम कर रहे हैं, जहां से खुदा के खादम आते और उन इलाकों में जाकर खुदा की खिदमत करते हैं। उसने अखलाकी खिदमत भी की और अपने पैसे से भी खिदमत की। अब जब दोबारा आया तो खुदा का बंदा जो है अपने पलंग पर जो उस खातून ने सजाया था, जब वो लेटा हुआ है तो वो सोच रहा है। सोचते सोचते उसके दिल में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? उसने अपने खादम को बुलाया, जहाजी को, भई इसने हमारे लिए इतनी फिक्रें की हैं, इतना कुछ इसने हमारे लिए किया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम इसके लिए कुछ करें। और उसने कहा कि शोनीमी औरत को बुला ले। जब वो उससे सवाल करता है कि तू बता, क्या हम बादशाह से, सरकार से कोई आपके लिए बात करें, या क्या उसके उसके मिलिट्री के अंदर आपके लिए कोई सिफारिश करें, तो उस खातून का ये जवाब था कि हम तो अपने ही लोगों में रहते हैं और हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और वो कोई ऐसी उसने नबी से कोई फ़ायदा उठाने की बात नहीं की। जो कुछ उसके पास है वो शुक्रगुजारी के साथ उसमें खुश है। और कलाम भी यही कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर क्या करो, कनायत करो। और बड़े बड़े आप जो है प्लानिंग, बड़े बड़े मंसूबे ना बनाओ कि हम ये कोठा ढा के फिर बड़ा कोठा बना लगे जी, तो इस किस्म की बातें नहीं। वो जो कुछ उसके पास है, शी इज़ हैप्पी वोमन। वो अपने हालात में, अपने वसाइल में खुश है जो कुछ उसके पास है। उसने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बात की कमी थी, उसने जिक्र नहीं किया। जब वो चली गई तो उसके खादम जहाजी ने कहा, काए मालक, उसके वो बे औलाद है और उसे बेटा चाहिए, उसको औलाद चाहिए। और जब उसने कहा दोबारा उसको बुला ले, तो बुलाने के बाद उसने कहा कि मौसम बहार पर तेरे गोद में क्या होगा, बेटा होगा। तो वो कहती है, क्या ये मेरे मालक, तू मुझसे झूठ ना बोल। क्यों? वो जानती थी, समझती थी कि मेरा खामन क्या है, इस हालत में नहीं कि औलाद हो और मेरा खादम बूढ़ा है, मेरा हस्बैंड बूढ़ा है, खामन बूढ़ा है, और ये ऐसा दुनियावी तौर पर मुमकिन नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाइबल का खुदा क्या है, नामुमकिनात का खुदा है। हवाला नोट कर लीजिए, रूमियो 4:17 है, लिखा है कि जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं खुदा उनको ऐसे बुला लेता है कि गोया के वो क्या है, मौजूद हैं। और आप अगर कलाम सुन रहे हैं तो आप भी विजुलाइज करें और अपने जेहन में इस ख्यालात को लाएं कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है, कैंसर है, थायराइड प्रॉब्लम है, या कोई और बैक एक है, या अजवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, या जो है गायनी प्रॉब्लम है, औलाद नहीं हो रही, तो आप ये महसूस करें कि मैंने लेडी डॉक्टरों को देख दिखाया, फलां को दिखाया, कोई इलाज नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप ये महसूस करें कि खुदा का कलाम आपके जिस्म में जा रहा है और खुदा का कलाम आपको छू रहा है। और आप इस रूह से जाएं कि आज इस कलाम के वसीला से खुदा ने मुझे क्या कर दिया है, मौजा दे दिया है। अगर आपका मरीज यहां नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, कहीं भी है, तो आप ईमान के साथ, जिस तरह के वो खुदा की बंदी ईमान के साथ उसने मौजा हासिल किया, तो आप देखें कि आपका कलाम जो है, आप उसको जो आपको मिल रहा है कलाम, आप उस कलाम को ट्रांसफ़र करें। अगर आपकी बीवी बीमार है, खामंद बीमार है, बच्चा बीमार है, और कोई शोहर बीमार है, या कोई और बहन भाइयों में से कोई बीमार है, तो जो कलाम आपको मिल रहा है
वो उस कलाम को आगे क्या करें, ट्रांसफ़र करते जाएं कि अरे खुदा ने मैं अपनी बीवी के लिए भेजता, अपने मियाँ के लिए इस कलाम को भेजता, अपने बच्चे के लिए भेजता, अपनी माँ के लिए भेजता हूँ, अपने अपनी बहन भाइयों के लिए, जो भी बीमार है आप उस कलाम को नाम लेकर उसका, उस खातून का, उस मियाँ का, उस भाई का नाम लेकर उस कलाम को ट्रांसफ़र करते चले जाएँ और फिर देखें कि किस तरह बाइबल का खुदा आपकी ज़िंदगी में और आपके घराने में मोजाद करता है। और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। खुदा अपने खादमों की वर्ड की आनर करता है। अगर आप खुदा के खादम हैं और खुदा की खादमाएं हैं तो आप बोलना शुरू करें। आप ये ना सोचें कि ये तो कैंसर का मरीज है, ये बदरू गिरफ्तार ये है और इसको पता नहीं शफा होगी या नहीं होगी, और आप अपने जहन में पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम नहीं होगा। आप मरीज को ना देखें कि व्हाट प्रॉब्लम ही हैज, आप ये देखें कि यीशु आपकी दवा के वसीला से क्या कर सकता है। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तो आप अगर खादम है, खादमाएं, तो रूह से भर जाएं। आज शाम मौत से अपने अंदर ले ले, कहे खुदा मैं जिस शहर में जाऊंगी, मैं जिस मोहल्ले में जाऊंगी, मैं जिस गली में जाऊंगी और जिस इलाके में जाऊंगा, आए खुदावंद खुदा मेरे वसीला से वहां पर मौजात होंगे, मेरे वसीला से आए खुदावंद उस घर में शांति आएगी, मेरे वसीला से उस घर के सारे बंधन टूट जाएंगे, अबलीसी कूते वहां से भाग जाएंगी, रोना और जो है हंसी में बदल जाएगा, मौत जिंदगी में बदल जाएगी, सारा घाटा जो है कसरत में बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तीसरे सवाल की तरफ हम आते हैं। शोनीम औरत और उसके खामन के हवाले से और उनके अज़दवाजी ज़िंदगी। अगर आप कलाम के शिगिर्द हैं, अगर आप कलाम को पढ़ते हैं, तो ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर इतना उनका भरोसा है, अगर बीवी ने कोई बात कर दी है तो मियाँ ने कुछ नहीं बोलना, अगर बीवी ने कुछ बात कर दी है तो मियाँ ने बात कर दी है तो बीवी ने आमीन कह दिया। यानी उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी इस कदर मजबूत है, उनके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता, उनके ईमान को कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों रूह में जिस्म में एक हैं। इनकी ज़िंदगी अज़दवाजी ज़िंदगी मिसाली ज़िंदगी है। अब गौर से सुनिए, मैं अक्सर ये एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि जब आप कलाम पढ़ते हैं ना, आप में से कितने लोग हैं जो डेली कलाम को पढ़ते हैं, कैन आई सी योर हैंड, हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। तो जब आप कलाम पढ़ते हैं तो खुले जहन से कलाम को पढ़ें। खुले जहन से मुराद क्या है कि आप जगाली करते जाएं, सोचते जाएं, ठहरा ठहरा कर पढ़ें, लफ्ज़ों पर गौर करें। आप लोगों की मशक कराने लगा मैं, तो जब उसका बेटा मर गया तो उसने अपने खामंद को क्या कहा कि तू एक नौकर को भेज दे और एक गधों में से एक गधे को भेज दे ताकि वो सवारी करे और मैं मर्दे खुदा के पास जाना चाहती हूँ। उसने ज़िक्र नहीं किया कि बेटा मर गया है, उसने अपने खामंद को बताया नहीं है। इतनी बड़ी सच्चाई जो है, इतना बड़ा सदमा जो है, उसने अपने खामन तक नहीं बताया। कितनी ग्रेट वूमन है। और ना वो रोई, ना कोई उसका आंसू बहा, ना उसने मोहल्ले वालों के लिए अपनी बयान करने शुरू किए, ना आस पड़ोस को बताया, किसी को नहीं बताया
के हुआ क्या है? इतनी बड़ी एक बच्चा मिला, बुढ़ापे की औलाद है, वो भी चला गया है इसका इब्राहिम और सारा की तरह। तो वो हम देखते हैं कि बिल्कुल बेचैन नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, कोई पैनिक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, और ना ही उसने उस बच्चे के कफन की तैयारी की, ना ही उसने ग्रेवयार्ड में कब्र बुक कराने के लिए वहां पर टेलीफोन किया कि हमारा बच्चा मर गया, हम इसको लेके आ रहे हैं। कुछ हो रहा आप लोगों की जिंदगी में? क्या खुदा का कलाम आप लोगों को छू रहा है? वो ये सोच रही है, वो कफन की तैयारी नहीं कर रही, वो ये तैयारी कर रही है कि मेरा बेटा जिंदा होगा, इसलिए कि मैंने नबी से नहीं कहा था, खुदा ने मुझे दिया था और खुदावंद खुदा ही इसको दोबारा पहले भी मौजा किया था और आज भी खुदा वही है। देर इज नो एक्सपायरी डेट ओवर जीसस, वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी मौजे करता था और आज भी मौजे करता है, हमारी जमात में भी आज शाम मौजे होंगे। उसने कफन की तैयारी नहीं की, उसने जिंदगी की तैयारी की और चल पड़ी, और उसके मियां ने कहा कि ठीक है तू जा। व्हाट अ ग्रेट वुमन, उसके मियां, उसने इतनी बड़ी हकीकत सच्चाई अपने खामन से छिपा रखी। जरा गौर करें, आपका एक ही बेटा हो, वो आपसे जुदा हो जाए, तो आपकी क्या, आपकी कफियत क्या होगी? उसने इस बात की परवाह नहीं की। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि जो जितने जोड़े यहां बैठे हुए हैं वो भी आज इस जोड़े से जो है एक मिसाली पैगाम हासिल करें। शायद इसलिए मैं ये सोचता हूं कि उसने अपने मियां को क्यों नहीं बताया। आप भी सोचिए, शायद आपका जवाब जो मैं सोच रहा हूं वो सही निकला है कि उसने अपने मियां को क्यों नहीं बताया। आप सब सोच रहे हैं ना कि आप क्या हो सकता, उसने क्यों नहीं इतनी बड़ी बात जो है, इतना बड़ा सदमा जो है केली दिल पे सह गई, उसने अपने मियां तक को नहीं बताया। तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि शायद वो ये जानती थी कि मेरा मियां रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो वो मेरी बात को मानता है, लेकिन शायद हो सकता है कि रूहानी तौर पर वो कह दे कि अब जाने की क्या ज़रूरत है, वो मेरे मौजे में रुकावट ना बने। जैसे मैंने पिछले मैसेज दिया था फ्राइडे में कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो मौजे में रुकावट बनते हैं, तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मियाँ मुझे रोक ले। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शोनीम से लेके करमल तक 15 मील का सफर है, 15 मील का सफर है, और वो गधा गाड़ी के ऊपर बैठकर कोई आंसू नहीं बहाया उसने, वाह, वो बिल्कुल उदास नहीं हुई, वाह, कोई पैनिक नहीं है उसके अंदर, कहीं ये बात ईमान के साथ जो है रस बस गई है कि मेरा बेटा मुर्दा नहीं जिंदा है। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। वो ईमान की आंखों से देख रही है कि मैंने उसे नबी के बिस्तर पर लटाया है। मैं देख रहा हूं आज शाम मौजात हो रहे हैं, आज शाम खुदा की कुदरत गहरे तौर पर काम कर रही है। क्या आपके अंदर कुछ हो रहा है इस वक्त? अब जैसे वो गई, लीशा ने उसे देखा और उसने अपने खादम को भगाया, जहाजी को, कि तू उसे पूछ। तो वो पूछता है कि क्या खैरियत तो है, तो वो कहती है हाँ खैरियत है। फिर दोबारा पूछता है हाँ सब ठीक है, सब भला है। अरे भाई बेटा घर पे मरा हुआ है, तो वो कह रही है सब खैरियत है, सब कुछ ठीक है, सारे हालात जो हैं वो ठीक हैं, सब कुछ दुरुस्त है। घरों के अंदर तबाही है जी, घरों के अंदर नपाकी है, घरों के अंदर जो है औलाद नाफरमान है, फिर भी कहते सब ठीक है जी, सब ठीक है, सब कुछ सारी खैरियत है, सब कुछ ठीक है, घरों के अंदर
तबाही, बर्बादी, लड़ाई, झगड़े और पता नहीं क्या कुछ है हो रहा है। फिर कहते हैं बस सब ठीक है, खुदा के खादम आते जी सब ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। उसकी सोच ये थी, उसने क्यों कहा सब ठीक है, क्योंकि वो जानती थी कि खुदा से सब कुछ हो सकता है और खुदा के खादम से हो सकता है। जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा भला है और भले से भलाई निकलती है। और वो ये सोच रही थी कि कलाम जो है कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा आज मेरे बेटे को जिंदा करेगा और मौजा होगा। यहाँ पर अब जो हम देखते हैं लिशा अपने खादम को कहता है कि मेरा आसा ले जा और रास्ते में किसी को सलाम नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, और ये आसा जो है ये लाठी उसके मुंह पे, बच्चे के मुंह पे डाल देना, रख देना। वो भागा गया, लेकिन जब वो वापस मिलता उनको रास्ते में तो कहता है कि बच्चा नहीं जागा और बच्चे ने ना सुनना है और ना बात करना, ये दोनों ज़िंदगी की लामतें हैं। तो आसे से लाठी से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस खातून ने लिशा का पीछा नहीं छोड़ा। वो कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक कि तू मेरे साथ मेरे घर में ना जाए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लिशा जो एक लफ्ज़ में अक्सर कलाम में बोलता हूँ, एक होता रेमा और एक होता लोगास। रेमा जो है उसने खुदा से नहीं, रेमा क्या है, खुदा कुछ बताए, जब खुदा कहता है तो हम उसको कहते हैं रेमा, जब खुदा कुछ जहर करता है, कोई खुदा बात बताता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेमा। तो खुदा ने लिशा को नहीं कहा था कि जहाजी को भेज, खुदा ने उसे नहीं कहा था कि ये अपना आशा उसके हाथ में लाठी भेज दे, उसने अपनी अक्ल से ही ये प्लानिंग कर ली। तो खुदा हमारी अक्लों के वसीला से, हमारी वो प्लान के जो हैं ऐसे के वसीला से काम नहीं करता। खुदा जो है हमसे कलाम करता, हमसे बोलता है। खुदा ने नहीं कहा था, जबकि खुदा ने कहा नहीं था हुआ भी नहीं। जब खुदा भेजता है तो खुदा जब वो ज़ात के साथ भेजता है, जहाँ तुम तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूँ कि बिच्छुओं को और सांपों को क्या करो, कुचलो, और तारीकी की सारी फौजों पर मैं तुम्हें क्या देता हूँ, इख्तियार देता हूँ। जब खुदावंद भेजता है तो पूरी राहदारी के साथ भेजता है, पूरी पावर के साथ भेजता है, अबली सी कुवतों पर इख्तियार देता है। और जब वहाँ पर लिशा उनके घर में गया तो फिर क्या हुआ, जब वो गया तो उसी बिस्तर पर वो बच्चा लेटा हुआ है। तो लिशा ने क्या किया, वो बच्चा इतना बड़ा नहीं था, 7-8 साल का बच्चा होगा, 10 साल का बच्चा होगा, उसके ऊपर क्या हो गया, पसर गया, उसके ऊपर लेट गया। नंबर वन, अपनी आंखें बच्चे के आंखों पर रख दी, अपना मुंह बच्चे के मुंह पर रख दिया और अपने हाथ बच्चे के हाथों पे क्या कर दिया, रख दिए। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, यानी उसने अपना मुंह बच्चे के मुंह पर इसलिए रखा ताकि ये जिंदगी का दम जो है वो फूंक रहा है। जैसे ही खुदा ने उस आदम जो कि मिट्टी का लोथड़ा था, ढांचा था, देयर वॉज नो लाइफ, खुदा ने दम फूंका तो वो आदम क्या हो गया, जीती जान हो गया। तो इस ईमान के साथ उसने उसके मुंह पर मुंह रखा। आपने देखा होगा जो हार्ट केसेस होते हैं, जब वो ऐसे जो है अब ख़त्म हो रहे होते हैं तो उनको मसनूई सांस दिया जाता है ताकि उनका हार्ट जो है वो काम करना शुरू कर दे। हमारे दरमियान आज एक डॉक्टर भी बैठी हुई हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं अपने बच्चों के लिए कि उसने मुंह के उसके मुंह के ऊपर मुंह रखा। ये क्या जिंदगी की अलामत है, जिंदगी का दम है, क्योंकि खुदा का रूह उसके अंदर था, खुदा का कलाम उसके अंदर था। और जब उसने फूंका तो खुदा ने मौजज़ा किया, उसके हाथों पे क्या कर दिया, हाथ रख दिया, आंखों पे आंखें रख दी। तो आंखों से मुराद क्या है कि वो जिंदगी रोशनी को जाहिर करता है कि वो दुनिया को देख सके, क्योंकि अभी आंखें वो उसकी खुली नहीं थी, अभी देख नहीं सकता था, क्योंकि उस पहले कहा जहाजी कहता है ना देखना है ना सुनना है। हाथों पे हाथ इसलिए रख दिए कि ये बच्चा जो है दोबारा उठेगा और इसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की, हालेलुया। जब लीशा ने ये मशक की तो
तो लिखा है कि बच्चा सात बार छींका, बच्चा सात बार छींका। सात का लफ्ज क्या है? कामलियत का लफ्ज है, कामलियत का लफ्ज है। सात का लफ्ज मिला कहां से हमें? चारों सिमते मशरक मगरब शिमाल जनूब और प्लस बाप बेटा और रूहुल कुद्दस। तो ये भी जिंदगी की अलामत है। खुदावंद खुदा आज भी मोज़े कर, बाइबल का खुदा क्या है? मोज़ात का खुदा है। मेरा ईमान है कि आज शाम जितने यहाँ पर अजीज आए हैं, वो बहन भाई मैं चाहता हूँ कि इस लाइन में सामने आ जाएं, जो ये समझ रहे कि वो बड़ी मुश्किल से आए। ये बहन अभी आई बड़ी मुश्किल से, अभी देखेंगे ये भागेगी, अभी इसकी ज़िंदगी में मोज़ा होने वाला है, क्योंकि जिस खुदा की मैं पूजा करता हूँ वो मेरे दरमियान मेरे अंदर है, वो मेरे मुझसे कुछ कह रहा है। सिर्फ वो बहन भाई सामने आए जिनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा अलमिया है, या लालाज बीमारी है, या दुख है, या भांजपन है, या भाई की वाइफ के हॉस्पिटल में दाखिल, आप उसके लिए खड़े हो जाएँ। तो सारे सब नहीं आना, सबके लिए मैं नहीं कह रहा, सिर्फ वो बहन भाई जिनकी बीमारी जो है लाइलाज हो चुकी है, जिनकी जिंदगी में बड़ा बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, खुदावंद खुदा आज उनके लिए काम करेगा। तो आप गौर से सुने, लाइन नहीं लगानी, मैं सिर्फ उनसे कह रहा हूं कि जिनकी बीमारी बहुत ज्यादा है, जिनके जिनका इलाज के लिए डॉक्टर हैरान और परेशान हैं, मैं उनके लिए इस वक्त दुआ करूंगा। हालेलुया, हमारी टीम खड़ी हो जाए। हालेलुया, प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। जाए, yes. आ गया तेरा कलाम जाए, yes. तेरे कलाम के वसीला से ये पत्रिया मैं
भाई खुदावंद अपनी बेटी को छू और सारी बीमारी यीशु नाम से उसको छिड़कता हूं और हुक्म दे उसके मन से निकल जाए। आमीन। भाई वे पाप तेरा जबरदस्त हाथ तेरी बेटी पर पड़े और उसे कामन छुपा दे सारी मस्तिया की कामन। भाई खुदावंद सारा को रोग भाई खुदावंद खुदा जाते तूने आज यहां पर अपनी बुजुर्ग के इंतजाम के वसीला से वो साफ करना है अपना हाथ उठा कर को छू और उसे आज के बाद कामन छुपा रहा कर। आमीन आमीन। भाई मेरी बेटी पाकरो आज तेरी रिहाई का दिन है आज तेरी छुपा का दिन है। हालेलुया 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 अपना जीवन है अपना पति बन जाओ वो अपना हक की लड़ाई थी। हालेलुया आई मेरी बेटी मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैं देख तेरी जिंदगी में तेरे यहाँ काम किया है आज अब आपको रात नहीं रहेगी मैं तेरे जीवन में देख क्या काम कर दिया है बाकी को पाकर मान से हार सकता है। हालेलुया हालेलुया मेरी सारी परेशानियां मैंने दूर की है खुशी से अपनी शुभा को हासिल कर। हालेलुया शुक्र करे सुन ली है तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र तुझे मेरी दुआ सुन ली है। भाई खुदावंद का रूह पाक मैं इस वक्त भाई सलीम हमीद के लिए उसकी बीवी के लिए जो भाई तुम्हें लाल आज मंच में मुकरा है जिसका लिवर और आई खुदाम बाल ब्लैडर इंफेक्टेड हो चुका है डॉक्टर के पास है उन्होंने जवाब दे दिया है लेकिन मैं आपकी टीम के साथ मिलकर आई खुदा से लाल को डॉक्टर कोरिया के लिए भेजता हूँ और डॉक्टर लाल और सही साथ जाए डॉक्टर कोरिया का जमात बैठ जी पहले यानी मसा की आगे आएगी।